बारा विश्वविद्यालय ने कोविड के इस संकट में हिमाचली छात्र छात्राओं के लिए अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें वे उन विद्यार्थियों का सहारा बनेंगे जिन विद्यार्थियों ने अपने परिजनों को कोविड काल में खो दिया है। ये जानकारी विश्वविद्यालय के मार्केटिंग डायरेक्टर अनुराग अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल विद्यार्थियों पर कहर बनकर टूटा है, आय के साधन खत्म हो चुके हैं। ऐसे में प्लस टू के बाद अपनी शिक्षा कैसे पूरी करें, ये बात उनके समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ी है। इस बात को बहारा विश्वविद्यालय के चेयरमैन गुरविंदर सिंह बहारा ने महसूस किया, इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। मार्केटिंग डायरेक्टर बहारा विश्वविद्यालय अनुराग अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन विद्यार्थियों ने कोविड काल में अपने परिजनों को खोया है, उनसे विश्वविद्यालय किसी भी तरह की फीस नहीं लेगा और उनकी पढ़ाई निःशुल्क विश्वविद्यालय द्वारा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उनसे आधी फीस ही विश्वविद्यालय वसूलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा की जा रही है ताकि उन्हें किसी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े और वे धन के अभाव में अपनी शिक्षा बंद ना करें। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ये फैसला सामाजिक दायित्व पूरा करने के लिए ले रहा है। कोविड महामारी की विषम परिस्थितियों में जहां बहुत से लोगों ने की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंची है, साथ ही बहुत से बच्चों के सर के ऊपर से उनके माता पिता का साया जो है वो हट गया है, ऐसी स्थितियों को देखते हुए एक विशेष निर्णय लिया गया, एक विशेष स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसमें कि अगर बच्चे के माता पिता नहीं हैं, दोनों माता पिता नहीं हैं, तो उस बच्चे को पूरे कोर्स की अवधि के लिए, वो कोर्स की अवधि 3 साल हो सकती है, 4 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, पूरे कोर्स की अवधि के लिए 100% ट्यूशन फी पे जो है वो स्कॉलरशिप दी जा रही है। कोई भी फीस जो है वो 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी कोर्स की ड्यूरेशन है उसके लिए बच्चों को पे नहीं करनी है। दूसरा, अगर किसी